सुकमा जिले में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस की टीम थाना चितलनार से मोरल्ली के जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुई। वहां इस अभियान के दौरान ग्राम तिमापुरम जंगल के पास पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस की पूछताछ में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी क्रम में जब पुलिस ने इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की तो उनके पास से 5 नग डेटोनेट और एक बंडल इलेक्ट्रॉनिक वायर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। विस्फोटक सामग्री बरामद होने के आधार पर पुलिस ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। चिंतलनार एवं कैंप नरसापुरम से 223 वाहनी सीआरपीएफ, 201 वाहनी कोबरा, डीआरजी एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी एरियो डोमिनेशन एवं सर्च गार्डन अभियान हेतु ग्राम मोरपल्ली तिमापुरम तिमापुरम जब्बाकट्टा वास पर जंगल क्षेत्र की ओर रवाना होती कि अभियान के दौरान ग्राम तिमापुरम जंगल के पास दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर लुकने छिपने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम हेमराज जोगा और सोडी दूला होना बताया।